नेक्स्ट अब अपन को है स्लाइडिंग या रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन अपन कब कहते हैं? स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन अपन कब कहते हैं? ठीक है बच्चों, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का जो केस आता है वो देखिए, एक मिनट। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन इसमें अपन कहते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, उस समय जो उसके ऊपर फ्रिक्शन कॉज होता है उसको अपन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में अपन कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रोल कर रहा होता है किसी अनदर सरफेस के ऊपर, उस समय जो उसके ऊपर फ्रिक्शन कॉज होता है उसको अपन रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन के लिए भी लिमिट लॉज है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का अपन सिंपल जैसे किसी व्हील का मूवमेंट कह देंगे। ठीक है, इसको अपन रोलिंग मोशन के अंदर रखेंगे। तो इसमें लॉज इसके रोलिंग मोशन का आप बच्चों बताएंगे कि इसमें कहते हैं कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सो दैट कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, सेकेंड थिंग अपन कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है, स्मॉल आर। ठीक है, इन दोनों को अपन कंबाइन करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करेंगे तो यही अपना हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू में आर अपॉन में आर। ठीक है, यही म्यू आर अपन को कोफिशियंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये जनरली अपन को रोलिंग के केस के अंदर आ जाएगा, जैसे कोई बॉडी अगर रोल करेगा उस सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब इसमें अपन को बच्चों क्या होता है कि वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आता है फ्रिक्शन के अंदर। ठीक है, तो वर्क डन के अंदर अपन कहते हैं कि वर्क डन इन स्लाइडिंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फर्स्ट केस है ये, कि जैसे अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, अगर उसको अपन स्लाइड कराओगे, मूव कराओगे कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो कितना वर्क डन करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोज करेगा और जहाँ अपोजिशन आएगा वहाँ वर्क डन होगा। ठीक है, तो अपन ये डायग्राम याद रखेंगे। इसमें हमने दिखा रखा है कि जैसे पी अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, वेट एम जी जो है उस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, और नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो अपवर्ड लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ठीक है, तभी वो कॉन्टैक्ट के बना रहेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और ये पी फ्रिक्शनल फोर्स एफ के हो गया। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, अपन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अपन कहते हैं मूविंग अ बॉडी। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स के कारण अपन मूव कराते हैं बॉडी के अंदर, इसीलिए हम फ्रिक्शनल फोर्स को यूज करते हैं। तो वर्क डन क्या कहता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपना एफ के हो गया और डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, तो एफ के इज इक्वल टू अपन ने एस कहा। बट अपन ने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू में आर, तो म्यू के अपन म्यू के इनटू आर लिख दिया। अब देखो आर अपना क्या है, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रहा है एम जी, तो अपन ने इसको क्या किया, आर की जगह एम जी पुट कर दिया। तो वर्क डन अपना क्या हो गया, म्यू के एम जी इंटू में एस। ये अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए वर्क डन की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग अपन को अब जो वर्क डन कहता है इसके अंदर, कि जैसे अपन कोई बॉडी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर आ रही है, तो उस सिचुएशन में अपन वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, जैसे अपन यहाँ पे देखो इंक्लाइन प्लेन को अपन यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेंगे। इसमें अपन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड अपन कह दिया। ठीक है, इसमें अपन ये सॉरी एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, और यहाँ पे थीटा एंगल बना रखा है, तो एम जी कॉस थीटा एक कंपोनेंट, दूसरा एम जी साइन थीटा। ठीक है, और ये अपन को मूव्स अप की बात करते हैं, तो ये अपन को पी फोर्स ऊपर की ओर लगाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और एम जी कॉस थीटा जो है वो आर को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन फर्स्ट नंबर सिचुएशन बता देंगे कि एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इट बैलेंस द नॉर्मल रिएक्शन आर, दस आर इज इक्वल टू अपन एम जी कॉस थीटा कह देंगे। सेकेंड थिंग है एम जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो इसमें अपन कहते हैं कि इफ़ एफ के इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, देन फोर्स नीडेड टू अप्लाई द अपवर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी अप बाय द इंक्लाइन प्लेन मस्ट बी एफ इज इक्वल टू या पी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस के एफ के। ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो
तो अब एफ के को अपन म्यू के इंटू आर कह सकते हो और आर को अपन एम जी साइन सॉरी एम जी कॉस थीटा कह सकते हो। फिगर से ही अपन पहले पॉइंट में भी लिख रखा था कि आर जो है वो एम जी कॉस थीटा है, तो अपन इसको एम जी कॉस थीटा इसकी जगह अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो एम जी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस के म्यू के कॉस थीटा हो जाएगा। अब कहते हैं वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एस अप द इंक्लाइन प्लेन, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू अपन पी इंटू एस कहेंगे, तो पी अपन ने निकाल रखा है एम जी साइन थीटा प्लस के म्यू के कॉस थीटा इंटू में क्या कर देंगे एस कर देंगे, यही अपना वर्क डन हो जाएगा। तो ये इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं कि जब अपन किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को मूव्स अप कराएंगे तो उस सिचुएशन में हम ये वर्क डन को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग है वर्क डन कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा तो सारा सिचुएशन सेम रहेगा बच्चों, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लगने लगेगा, पी डाउनवर्ड एक्स हो जाएगा और एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा था पहले भी केस में डाउनवर्ड, एम जी कोस थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड और जिसको आर बैलेंस कर रहा है और एम जी अपन को वर्टिकली डाउनवर्ड गया। ठीक है, इसमें भी अपन पॉइंट्स जो हैं उसी तरीके से इसके अंदर अपन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स एज इट इज इसके अंदर भी रहेंगे और इसमें अपन वर्क डन जो अपन बताएंगे इसके अंदर वो वर्क डन देखिए, इसमें अपन वर्क डन के लिए क्या कह देंगे कि द वेट एम जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू कंपोनेंट, फर्स्ट नंबर कहेंगे एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जिसको आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा कहेंगे, सेकेंड थिंग एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अपन नेट फोर्स क्या होगा, पी इज इक्वल टू एफ के माइनस के एम जी साइन थीटा, एफ के को म्यू के इंटू आर कह देंगे, आर को अपन एम जी कॉस थीटा कह रखे हैं तो यहाँ से पुट कर दिए वैल्यू, एम जी को कॉमन ले लेंगे तो म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और इसी को एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को वर्क डन पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन इसके अंदर एक्सीलरेशन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के लिए कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, एक्सीलरेशन के लिए भी अपन सेम फिगर अपन यहाँ पे जस्टिफाई कर देंगे कि जैसे एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, तो उस केस में अपन क्या कहेंगे एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी कॉस थीटा आर को बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन थीटा अपन को फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से तो इसमें अपन को देखो क्या कह रहे हैं, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा जो है डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, तो अपन यहाँ से कह सकते हो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, एफ के को म्यू के इंटू आर तो वो एम जी कॉस थीटा पुट कर देंगे और यहाँ जो एफ लिखे हो इसी एफ को एम ए कह देंगे, एम को कॉमन लेकर के कट कर दिए तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस के म्यू के कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यही सिंपल अपन एक्सीलरेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।